जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं ब्राह्मण अपनी सीट देता है। लेकिन जितने दबे कुचले लोग हैं और जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज है ये संगठन। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा आदि शंकराचार्य शांति पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस पुरस्कार समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले गणमान्य मौजूद रहे। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करते हुए पूज्य काची शंकराचार्य बिजेंद्र सरस्वती महाराज ने कहा कि ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सनातन के लिए कार्य कर रही है। ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, ये बहुत ही अनुकूल विषय है। भारतीय सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, सबको साथ लेकर वसुदेव कुटुम्बकम को मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सनातन के मुख्य चार स्तंभ हैं परिवार, परिसर, परिक्रमा और परिपक्वता। पूज्य स्वामी ने ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को ऐसे ही सनातन को आगे बढ़ाने और धार्मिक कार्यों को करते रहने के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। वहीं इस मामले पर आयोजकों से बात की है हमारे संवाददाता कुणाल ने, देखे खास रिपोर्टिंग। आपने देखा है ये एक ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और ये देश भर में ब्राह्मणों के लिए तो काम कर ही रहा है। लेकिन जितने दबे कुचले लोग हैं और जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ है ये संगठन। और जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह, यानी कोई आदमी गेरवे कपड़े पहन के गड़बड़ करता है तो सारा ब्राह्मणों पर मारने लग जाते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बन जाता है। जब तक ब्राह्मण किसी को अत्याचार नहीं करता, तकलीफ नहीं देता है, उसके लिए संगठन है। देशव्यापी हम क्या कार्य करने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम किया है, उसकी चर्चा होगी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है। तमाम जो अधिकारी लेवल पर लोग थे जिनको आपने बुलाया, उनको सम्मानित किया गया, उनके कार्यों को कौन से कार्य को देखकर सम्मानित सर? ये कुछ एजुकेशन फील्ड में थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनके साथ कुछ आर्ट फील्ड से थे। उनके काम को देख के उनको ये जूरी ने, हमारी जो जूरी ने अवार्ड किया है, और ये देश के नहीं पूरे दुनिया के में इनका योगदान रहा है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ मौजूद थे। सर, एक सवाल आपसे लास्ट ये भी है कि जिस तरह से आपने बात कही कि ब्राह्मणों को जगह सम्मानित किया और उन लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है जो उस उन पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं जहाँ पर ऐसी और अलग अदर दूसरी कास्ट से आते, इन्होंने कई बार बताया, तो इस तरह की बात आपने भी की, क्या आपने? बहुत सारे केसेस में ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ और इस देश के काफ़ी गवर्नमेंट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो जगह जगह जो किसी की बात नहीं मानता तो जातिवाचक सूचक शब्द लगा कि उसका केस रजिस्टर्ड हो जाता है, उसको अरेस्ट करा देते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम कानूनी तौर से उसको लड़ेंगे भी और उस चीज़ को, उस कुरीति को रोकेंगे भी। और हम तो सब समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो हमने बताया, कोरोना में हमने कोई धर्म नहीं छोड़ा, कोई जाति नहीं छोड़ी, सबके लिए काम किया। बीच में आपने रोटी आंदोलन का भी चलाया था जब कोरोना महामारी। रोटी में आंदोलन अभी भी चल रहा है। रोटी आंदोलन एक अलग संस्था है, उसका मैं फाउंडर हूँ। वो ये है कि भूखे तक रोटी पहुँचाओ, जिसकी रोटी जा रही है उसके लिए लड़ाई लड़ो, और जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ बनो, उसके लिए रोटी आंदोलन। आगे कुछ नहीं, प्रोग्राम बढ़ेगा, जैसे हमारी कमेटी जो हमने बनाई है, जो कोर कमेटी बनी है, वो करेंगे कि हम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्राह्मण बदनाम हो चुका है। जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं ब्राह्मण अपनी सीट लेता है तो उसके कहते हैं इसमें भी चाल है जी, गवर्नमेंट की चाल है, ब्राह्मण आगे जाते हैं, पढ़ाई वो रात भर करता है ब्राह्मण का लड़का, लेकिन इसके साथ बदनामी सिर्फ ब्राह्मणों की होती है। कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं बाढ़ आती है, ये जी ब्राह्मणों की चाल है। तो ये क्यों हो रहा है, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों को एक स्केप गोट क्यों बनाया जाता है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी कि एक संगठन बुलाया जाए ब्राह्मणों का, और जिसमें
ये सारे जो देश की स्थिति आजकल खराब चल रही है उसमें बिल्कुल ब्राह्मणों को ही नकार जाता है कि ब्राह्मणी खराब है। ब्राह्मण ने किया क्या, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे थे। जैसे कहा जाता है, कोई कोट करता है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सनातनी हैं, हमें सिखाया नहीं गया है ऐसे किसी को मारना है दाड़ना है। हमारा कर्तव्य बनता है, हर एक देश की देशवासी है और देश की सेवा करना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है।